यूपी डीएलएड की फोर्थ राउंड काउंसलिंग का जो कॉलेज अलॉटमेंट रिजल्ट है वो पीएनपी की तरफ से जारी कर दिया गया है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूं कि किस तरह से आपको ये चेक करना है कि आपको कौन सा कॉलेज पीएनपी की तरफ से अलाउड हुआ है और किस तरह से आपको अपना कॉलेज अलॉटमेंट लेटर जो है वो डाउनलोड करना है और किस तरह से आगे की जो 5000 रुपए की फीस है उसे ऑनलाइन पे करना है। इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यूपी डीएलएड की इस ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना है जिसकी लिंक आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। स्क्रॉल डाउन करते हुए आपको नीचे आ जाना है। इसके बाद यहां पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है यूपी डीएलएड एडमिशन, इस पर आपको इस तरह से क्लिक करना है। एंड उसके बाद आप देख रहे हैं व्यू का ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, आपको दोबारा से स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की साइड में आ जाना है। यहां पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है अलॉटमेंट रिजल्ट का, आपको इस ऑप्शन पर अब क्लिक कर देना है। दोस्तों फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि अदर फ्रेंड्स भी चेक कर सकें अपना सीट अलॉटमेंट रिजल्ट कि उन्हें कौन सा कॉलेज मिला है। इसके बाद यहां आप देख सकते होंगे देखने के लिए मिल जाएगा सीट अलॉटमेंट रिजल्ट। सबसे पहले सिलेक्ट कोर्स में यूपी डीएलएड 2023 इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका यूपी डीएलएड का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उस रजिस्ट्रेशन नंबर को यहां पर लिखेंगे, यहां से डेट सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ की डेट है उसे यहां से सिलेक्ट करेंगे, मंथ यहां से सिलेक्ट कर लेंगे और ईयर आप यहां से सिलेक्ट करेंगे, जो भी डेट ऑफ बर्थ की ईयर है उसे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद ये जो ग्रीन कलर में आप देख रहे हैं लिखा हुआ इसे आप यहां पर लिख देंगे, इसे कैप्चा बोला जाता है। अगर ये आपके समझ में नहीं आता तो एक सर्कल देख रहे होंगे जिसमें दो तीर हैं, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो कैप्चा लिखा हुआ है ये चेंज भी हो जाएगा। अगर आपके समझ में नहीं आ रहा तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए, ये जो ग्रीन कलर में दो तीर बने हुए हैं, ठीक है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो कैप्चा चेंज हो जाएगा, फिर दोबारा से आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीजें फिल करने के बाद आपको गेट रिजल्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप गेट रिजल्ट पर क्लिक कर इसके बाद आपका जो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आपको कुछ इस तरह से देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल्स होगी, इसे आप चेक कर लीजिए। और थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो आपको जो भी कॉलेज पीएनपी की तरफ से अलॉट किया गया वो कॉलेज आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। आपको इसी कॉलेज में एडमिशन लेना होगा, ठीक है। अगर आप इसमें एडमिशन नहीं लेंगे तो जो फीस आपने जमा की है 5000 रुपये की, वो आपकी गल गई, ये समझ लीजिए, वो फीस चली गई। ये इंस्टीट्यूट अलॉट कर दिया गया, मतलब ये कॉलेज आपको मिल चुका है। यहाँ पर जो भी कॉलेज आपको देखने के लिए मिल रहा है वही कॉलेज आपको मिला है, उसी कॉलेज में आपको अपने डॉक्यूमेंट जमा करना है, फीस जमा करना है, ठीक है। ये कॉलेज आपको मिला है, इसे आप चेक कर लेंगे। अब आपको 5000 रुपए की जो फीस है वो और जमा करना है, 5000 रुपए और देना है फटाफट, तो इसके लिए आप देख लीजिए यहां पर बताया रहा है, यहां पर लिखा हुआ आ चुका है पे फीस, यू आर रिक्वायर्ड टू पे एन अमाउंट ऑफ रेस 5000, आपको और 5000 रुपए अभी ऑनलाइन पे करना है इस सीट को एक्सेप्ट करने के लिए। तो इस 5000 रुपए को पे करने के लिए आप पे सीट एक्सेप्टेंस फीस पर क्लिक करेंगे। आगे यहां पर पोर्टल ओपन होकर आ जाएगा फीस पेमेंट करने का, आप वहां से 5000 रुपए की फीस ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे। फीस पेमेंट करने के बाद आपको दोबारा से इसी तरह से लॉग इन कर लेना है, जिसकी वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया जिस तरह से रजिस्ट्रेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ कैप्चा कोड डालकर आपने लॉग इन किया फॉर्म को, आप दोबारा से लॉग इन करेंगे। दोबारा से लॉग इन करने के बाद जब आप नीचे की साइड में आएंगे तो यहां पर अब आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर, ठीक है। आपको इस डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने एक लेटर डाउनलोड होकर आ जाएगा, उस लेटर में आपका फोटो होगा, यहाँ पर लिखा हुआ होगा परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज यानी कि एग्जामिनेशन रेगुलर अथॉरिटी प्रयागराज, ठीक है। बाकी यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल्स होगी, कॉलेज का नाम लिखा हुआ होगा, आपने जो अभी 5000 रुपये जमा किए हैं बिल्कुल अभी अभी, वो यहाँ पर डिटेल्स आ जाएगी, ट्रांजेक्शन डिटेल्स। तो यही आपका अलॉटमेंट लेटर होता है, सीट अलॉटमेंट लेटर होता है, कॉलेज अलॉटमेंट लेटर होता है, सारा लेटर इसी को बोलते हैं। इस लेटर को लेकर आप जाएंगे, जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी जीरोक्स यानी कि फोटोकॉपी और जो बची हुई फीस है वो आपको कॉलेज में ले जाकर जमा कर देना है 15 अक्टूबर से पहले पहले। तो उम्मीद करता हूं अब आप समझ गए होंगे। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।